प्रसाद क्रिएशंस। चलो तो आज बनाते हैं होली के समय पर कुछ मीठा। रेगुलरली हम लोग गुजिया बनाते हैं, पूरन पौड़ी बनाते हैं, तो आज हम बनाते हैं होली स्पेशल फिरनी, और इसमें फ्लेवर रहेगा स्ट्रॉबेरी का। तो चलिए रेडी करते हैं स्ट्रॉबेरी फिरनी। इसके लिए हमें लगेगा चावल, आप बासमती या कोई भी रेगुलर चावल ले सकते हैं। ये एक छोटी बोल चावल लिया है मैंने, और इसको 1 से 2 घंटा भिगा के रखना है। 2-3 बार धोया हुआ है, और इसको पानी में भिगाएंगे और साइड में रखते हैं अभी, और हम लोग स्ट्रॉबेरी रेडी करते हैं। तो आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली है मैंने, इसका जो लीफ है वो निकाल देते हैं, और स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। हमारी स्ट्रॉबेरी कट करके हो लिए मैंने, रफली उसको कट किया 1 को 4 या 8 हिस्सों में। अभी इसका हम लोग कंपोट बनाएंगे फ्रेश स्ट्रॉबेरी का। तो मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे हम लोग फ्रेशली चॉप स्ट्रॉबेरी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम है। बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आने वाला है, कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करने वाले हम लोग। इसमें डालेंगे हम लोग शुगर, स्ट्रॉबेरी मीठी होती है बट खट्टास भी उसमें उतनी ही होती है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग डिज़र्ट बना रहे हैं। तो इसमें कम से कम 60 से 70 ग्राम अभी शुगर डालेंगे हम लोग, अराउंड 6-7 चम्मच, और उसमें डालेंगे 100 ml जितना पानी, और स्ट्रॉबेरी को धीरे धीरे हम लोग कुक करेंगे प्लेन। धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी पकेगा, सॉफ्ट होगा, और उस अच्छी तरह से इसका एक कंपोट बनेगा। तो ये धीरे धीरे बनता रहेगा, आगे की स्टेप देखते हैं हम लोग। लगभग 1.5 से 2 घंटा भिगाया हुआ है हमने, इसका पानी ड्रेन करते हैं, और इसको कोर्सली हमें मिक्सी में पीसना है। कोर्सली मतलब थोड़ा मोटा रखना है, बिल्कुल उसका पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए चावल पीस के लेते हैं। तो हमारा चावल जो है मैंने पीस लिया है मिक्सी में, रफली उसको पीसना है, दरदरा जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरा एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। 1 लीटर दूध मैंने चालू किया है गैस पे, ऑन करके रखा है, दूध गर्म हो रहा है। उसमें हम लोग ये कोर्सली जो पिसा हुआ चावल है वो 1 लीटर दूध में डालेंगे। और इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लगेगा, नहीं तो लम्स पड़ेगा इसमें। लगातार चलाते चलाते इसको पकाना है। मिक्सर देखिए आप, धीरे धीरे थिक हो रहा है, 10 मिनट में ये थिक हो गया मिक्सर, बिल्कुल लंप फ्री मिक्सर है। थोड़ा सा और पकेगा, और बाद में इसमें आगे की स्टेप देखते हैं। और इधर साइड में स्ट्रॉबेरी कंपोट भी रेडी है, काफ़ी अच्छा कलर है, इसमें रिड्यूस भी हुआ है मॉइस्चर। सो ऑलमोस्ट थोड़ी सी अभी कसर बाकी है, देखते हैं आगे का स्टेप बाद में। मिक्सर अपना ऑलमोस्ट रेडी, अभी इसमें शुगर डालते हैं हम लोग। लगभग 250 ग्राम शुगर लिया है मैंने, स्ट्रॉबेरी में भी शुगर है तो उस हिसाब से डालना है शुगर, और शुगर को मेल्ट करते हैं अभी इसमें। अपना शुगर भी डिजॉल्व हो चुका है, और बहुत ही स्मूथ मिक्सर बना है फिरनी का, जैसा होना चाहिए। अभी इसमें हम लोग डालेंगे फ्लेवर, जो अपना है स्ट्रॉबेरी कंपोट, जो फ्रेशली बनाया है हमने, वो ऐड करते हैं। काफ़ी खूबसूरत कलर आया, आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है कलर, वाइट एंड रेड, होली के लिए परफेक्ट है, वेरी कलरफुल। और ये स्ट्रॉबेरी को हम लोग अच्छी तरह से इसमें फोल्ड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इसमें। चंक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी है इसमें, इसलिए मैंने पूरा उसका प्यूरे नहीं किया है, उसमें एक अच्छा सा बाइट आएगा। वेन एवर वील हैव यू गिव नाइस बाइट टू द फिरनी स्ट्रॉबेरी का बीच में। देखिए खूब बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी और कलर आया है इसका, और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अभी इसको हम लोग पोर्शन करते हैं कुल्लड़ में, मैंने कुल्लड़ रेडी रखे हैं।